स्कूल से याद आया मुझे होमवर्क करना है। चाय से याद आया तुम दूध लाए कि नहीं। यादव से याद आया वह कुछ दिन पहले मुझसे पैसे मांग रहा था। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वह है से याद आया। क्या? से याद आया। से याद आया कुछ चीज़ से याद आया। इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं स्पीकिंग ऑफ, स्पीकिंग ऑफ। चलिए इसको यूज करने के कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा स्पीकिंग ऑफ, इसके बाद नाउन या फिर ऑब्जेक्ट जो रहेगा हम लिखेंगे। इसके बाद हमारा बाकी सेंटेंस रहेगा जो हम बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्कूल से याद आया मुझे होमवर्क करना है। स्पीकिंग ऑफ स्कूल आई हैव होमवर्क टू डू। स्पीकिंग ऑफ स्कूल आई हैव होमवर्क टू डू। यादव से याद आया वह कुछ दिन पहले मुझसे पैसे मांग रहा था। स्पीकिंग ऑफ यादव ही वॉज आस्किंग मी फॉर मनी अ फ्यू डेज एगो। स्पीकिंग ऑफ यादव ही वॉज आस्किंग मी फॉर मनी अ फ्यू डेज एगो। चाय से याद आया तुम दूध लाए कि नहीं। स्पीकिंग ऑफ टी डिड यू ब्रिंग मिल्क और नॉट। स्पीकिंग ऑफ टी डिड यू ब्रिंग मिल्क और नॉट। अंग्रेजी से याद आया कल तुम्हारा एग्जाम है ना। स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश यू हैव एग्जाम फॉर टुमारो राइट। स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश यू हैव एग्जाम फॉर टुमारो राइट। गांव से याद आया मुझे अपने घर जाना है। स्पीकिंग ऑफ विलेज आई हैव टू गो टू माई होम। स्पीकिंग ऑफ विलेज आई हैव टू गो टू माई होम। तुम्हारे भाई से याद आया वह आज आने को था। स्पीकिंग ऑफ योर ब्रदर ही वॉज टू कम टूडे। स्पीकिंग ऑफ योर ब्रदर ही वॉज टू कम टूडे। दिन से याद आया मुझे आज कॉलेज जाना है। गाइज, इस सेंटेंस का आंसर आप कमेंट में कीजिए। थैंक यू।